अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर बरकत से होंगे, खुश खुशहाल होंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक भी कीजिएगा। चले और आगे चलते हैं वीडियो, ज़्यादा बात भी लंबी चौड़ी नहीं करेंगे, वीडियो में आते हैं। अभी मैं आपको ये वीडियो में दिखाना चाह रहा था, ये एक पड़ा है नीचे पड़ा हुआ स्टॉलर, ये स्टॉलर है, सिक्स व्हीलर है। अब कई कस्टमर बोलते हैं इसको कैसे खोलते हैं, उनको खोलने का तरीका नहीं आता, तो ये मैं खोलने का तरीका बताता हूँ, इसको कैसे खोला जाता है। ये देखिए, ये है इसका डिजाइन, ये ऐसे होता है। और उसके यहाँ पर एक लॉक लगा होता है, ये देखें नीचे इसकी ब्रेकिंग वगैरह भी है, लाल कलर की ब्रेकिंग है। और ये इसका लॉक है, ये इसको आपने ऊपर कर देना है, ये खींच के ऊपर कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम यूज़ करेंगे, ये खुल गया, लॉक खोल दिया ज़्यादा, यहाँ पर इसको पकड़ा हुआ था, इसमें खोल दिया, ये खुल गया, ऐसे करके धक्का मार के पीछे से खींच के ना खोल देना है इसे। ये इसकी छतरी है, ये नीचे हो जाती है, ये देखिए ये मैंने खोल दिया। और उसको बंद कर लो ना, ये इसको बंद करने का ये रहा यहाँ पर, इसको पैर से भी कर सकते हैं, हाथ से भी, ये देखिए ये मूव हो रहा है ना, ये उसको बंद करने का पैर से भी कर सकते हैं, ऐसे यू पैर लगा के भी कर सकते हैं, पैर से करूँगा तो यू बंद हो जाएगा, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, ये देखिए ये बंद हो गया, ये बंद करो, बंद करना है उसका लॉक, यहाँ पर लॉक है, इसको याद है, ये ऐसे पकड़ लेगा, ये देखो पकड़ लेगा, लॉक हो गया, ये लॉक कर दिया। अब दोबारा खोल रहा हूँ, कैसे खोलेंगे इसको, फिर इसी लॉक को खोलेंगे हम, इसी लॉक को हम कहते हैं, ये देखिए मैंने खोल दिया, अब इसको यूँ करेंगे, ये खोल दिया, ये सारा खोल दिया। और ये जो लाल कलर है ना, ये स्टॉपर है, स्टॉपर लगे हैं, ये ब्रेक होती है, आगे आते हैं जले जाते हैं, बच्चे को बैठाया होता है अंदर, ऐसे ऐसे करके लॉक हो जाते हैं, खोला हुआ ये खोल दिया, और बच्चा यहाँ पर ले जाता है, यहाँ पर ले जाता है, और उसको पीछे कर लो, पीछे भी जाता है, ये पीछे भी कर सकते हैं, पीछे कैसे करना वो मैं बता दूँ, पीछे ये लॉक देख रहे हैं, ये रॉड देख रहे होंगे, आपको इधर है, इसको हमने खींचना, इसको हमने यूँ खींचना, ये देखिए ये देखिए वो देखो वहाँ से हो रहा है, वो देखो ये एक स्टेप ये रहा, दूसरा स्टेप ये रहा, वहाँ से भी इसका यहाँ पर ये एक स्टेप इधर है, एक स्टेप इधर है, मैं उसको खींच के मैं नीचे कर दूंगा, ये देखो इसको अभी ये नीचे कर दिया, ये पहला स्टेप हो गया, और दूसरा स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये बच्चा इसमें लेट भी सकता है, पूरा इसमें लेडी आएगा, और ये ऊपर करना हो ये भी ऊपर हो जाता है, और बच्चा अगर थोड़ा सा लंबा है, इसके नीचे भी रॉड लगी हुई है, रॉड, और ये इसका लॉक है, ये यहाँ पर आके फंस जाएगा, ये लग गया,
नीचे कंधों में नीचे हो जाएगा, नीचे हो गया, नीचे कपड़े रखने की जगह भी दी हुई है, नीचे कपड़े रख भी सकते हैं बच्चों के, फीडर वगैरह में फीडर रख सकते हैं, पैंपर रख सकते हैं नीचे, यहाँ पर जगह दी हुई कपड़े रखने के लिए, पैंपर रखने के लिए, बोतल रखने के लिए। हमारी पूरा स्टील बॉडी है, स्टील मजबूत है, उसके टायर भी ठोस टायर है, रबड़ के हैं, ये भी रबड़ है, ये कच्चे पक्के में चल जाता है, मिट्टी वगैरह पत्थरों में चल जाता है, रोड के लिए अच्छी है, आउटडोर के लिए बहुत ज़बरदस्त है, इंडोर भी है, बच्चा इंडोर घर में बच्चा आके सो जा सकता है, और यहाँ से पकड़ के ला भी सकते हैं। नीचे स्टॉपर है, यहाँ स्टॉपर होती है, ये ब्रेक लगाने के लिए, ये खोलना ये खुल जाता है, जो बच्चे को आप खड़ा करके यहाँ चले जाए, इसको खड़ा करके आप चले जाते हैं स्टॉलर को, तो नीचे ब्रेक ज़रूर लगाते हैं, जब इसको ऊपर करना है तो ये आपने ऐसे करना है, धक्का दे देना, ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, अब खींचने के लिए नीचे करना पड़ता है, इसको दबा के ना ये नीचे करना पड़ता है, ये नीचे करना पड़ता है, अब ऊपर करने के लिए धक्का दे देना, ये धक्का दे देना, कपड़े को पीछे कर लेना, ठीक है जी। बहुत आसान है इसको बंद करना और खोलना, ये सारी मैंने चीज़ें बता दी, क्योंकि कई कस्टमर बोलते हैं कि हमें पता नहीं होता इसको फिर से खोला जाता है, कैसे बंद किया जाता है, तो ये बंद करने का तरीका होता है, यहाँ से इसको ऐसे पोच करके बंद कर देना, नीचे रॉड लग जाए, बहुत अच्छा इंस्टॉलर है, बहुत डिमांड आई है इसकी, क्वालिटी भी अच्छी है इसकी, और अभी तक इसकी कोई शिकायत नहीं आई, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड आई है, और जो उसकी कीमत है 7,000 कीमत है, और ये 1 साल से लेके 5 साल का बच्चा भी बैठ सकता है, यानी कि ये 35 kg वज़न बर्दाश्त कर लेते हैं, और सीट भी इसकी फोम वाली है, ये धो भी सकते हैं, इसको निकाल के आप धो भी सकते हैं, निकल भी जाती है, बैंड भी लगा हुआ है इसका, ये इसमें बैंड भी लगा हुआ है, बच्चे को आप सेट भी कर सकते हैं बैंड से, खुल भी जाता है ये ऐसे करके खुल जाता है, ये बंद करना हो ऐसे करके दोनों को जोड़ के ये बंद कर दिया, एक हाथ से कैमरा है एक हाथ से वीडियो में बना रहा हूँ, कोशिश करते हैं, तो मैंने बंद कर दिया, ये इसका कपड़ा हम निकाल के धो भी सकते हैं, ये निकल भी जाता है, ये नीचे भी देखें कपड़ा, पूरा स्टील बॉडी है, नीचे भी स्टील बॉडी है, ये देखें नीचे भी रॉड लगा हुआ है, इसके नीचे भी, और इसके अंदर ये अंदर ना फटी लगी होती है, इसके अंदर पट्टी है, मजबूत है, टूटेगी नहीं, बहुत पायदार पट्टी है इसकी, सारे कुछ इसमें लगे हुए हैं, क्वालिटी भी अच्छी है इसकी, और ये आगे स्प्रिंग भी लगा हुआ है, ये जो बंद करते हैं हम लोग इसको ऐसे पुश करने के लिए, और बहुत डिमांड आई है इसकी, ठोस टायर है, क्वालिटी भी अच्छी है, और उसकी व्हील घूम भी जाती है, ये देखें व्हील सीधे चल रहे हैं, इसको घुमाना है ना तो ये लॉक खोलना पड़ेगा, इस जगह खुल गया, ठीक है, ऐसे घूमेगा भी मोड़ काटने के लिए, टर्न टर्न करने के लिए, इसको मैं ज़रा ऊपर उठाता हूँ, पर हम पूरा घूमता भी है, और उसका भी इस तरह खुलेगा, मैंने खोल दिया, ये देखिए घूम रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ, बिल्कुल फ्री चलता है, और इसके अंदर इसके क्या के अंदर ना बैरिंग लगे हुए हैं, यहाँ पर ना अंदर बैरिंग होते हैं इसके अंदर, ये इसमें 1 साल से लेकर 5 साल का बच्चा बैठ सकता है, और 30 से 35 kg वजन ये बर्दाश्त करता है। ओके जी, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइबर होंगे तो मैं आगे नई वीडियो भी बना के आपको दिखाता रहूँगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करता रहूँगा कि नई नई वीडियो बनाता रहूँ, और मुझे टाइम मिला तो मैं आपको और भी नई चीज़ें दिखाता रहूँगा इंशाल्लाह। ओके जी, खुदा हाफिज़।